जा लेके आ जा, जा ले आ जा। Brother, not working. It is very sad. This is not car. ऐसे इधर देखो, इधर देखो, यह बहन, इधर देखो ना। No, oh, yeah. No, no, wallah, not fall. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ हम लोग पूरी फैमिली जा रहे थे उमल कुइन। तो उमल कुइन यहाँ का एक इमारत है, जैसे कि यूएई 5-7 इमारत्स को मिलाकर के बना हुआ है। तो उसमें जैसे दुबई आता है, शारजा आता है, अलैन आता है, फुजैरा आता है, रासल खैमा आता है, तो उसी तरह उमल कुइन भी है। तो हम लोग ये बेसिकली ये पूरा व्लॉग उमल कुइन और रासल खैमा का मिला जुला व्लॉग है। तो इसमें देखें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे व्लॉग को पूरा देखें शुरू से लेकर के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ दुबई क्रॉस हो चुका था जी, और शारजा भी अब लगभग क्रॉस होने वाला था। इमराना की जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमराना को नींद बहुत आती है, वो सो जाती है। और ये है शारजा की बहुत खूबसूरत सी मस्जिद। तो इन सब चीज़ों को क्रॉस करते हुए हम लोग लगभग उमल कुइन पहुँच चुके थे। तो यहाँ से डेजर्ट एरिया पूरा शुरू हो चुका था, और ये उमल कुइन का जू है जहाँ हम लोग जा रहे थे। ये ओपन जू है, काफ़ी चीज़ें यहाँ ओपन में है। और आपने क्लिप तो देखी होगी टाइगर की क्लिप। तो यहाँ का ये सब शौक़ है भाई, टाइगर को तो इस तरह से टाइगर लाइन को पाला जाता है जैसे नॉर्मल पेट हो। वो अरबियों का अच्छा शौक़ है। तो यहाँ पर ये हम लोग जू के अंदर इन कर रहे थे, और हम लोग आ गए थे दोपहर के टाइम। तो ये पूरा व्लॉग हमारे फ्रेंड के साथ है, एक और फैमिली थी जो हम लोग मिल करके आए हुए थे। तो ये सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे, तो आप देखते जाइए। और यहाँ पर टिकट था, यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग इन कर चुके थे अंदर, और बस यहाँ पे नॉर्मल चेकिंग हुई और हम लोग फिर अंदर आ चुके थे। और ये पूरा जू का एरिया था। यहाँ पे 25 दरहम पर पर्सन इसका टिकट है उमल कुइन जू का। तो यहाँ से जी शुरू हो जाता है सारा कुछ। इमराना, इमरान अचानक से अबान की नजर पड़ी तब। आपको फुट नहीं लग जा रहा था? हाँ, फ्रूट्स है गाड़ी में। अंदर भी जा सकता है, निकलिए अंदर से। ऐसा ना कुछ चोच मार दे बाबा। क्या देख क्या हो? हाँ हम बना ही रहे, देखो ऑस्ट्रिच बैठी हुई है। इधर में घोड़ा क्यों आता है? आइए, ये बदतमीज लड़का है। क्या हो गया तुमको? वो क्या की, वो क्या की? मम्मा देख तो देख, देखे ना क्या हो गया? बंदर खुला हुआ है। अल्लाह, बंदर हाथ मिला के इंसान से खड़ा है। हाँ, तो जी यहाँ पर काफ़ी अच्छा कुछ बना हुआ है, और ये सारा कुछ
बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग को। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ऐसा कि कार टूट ले। अल्लाह आवाज देख रही हो कैसे निकाल रही है। रुको रखो ना, ऐसे इधर देखो, इधर देखो, यह बात इधर देखो ना। बंदरिया और ये छोटा बंदर, छोटा बंदर। तो इन लोगों से मुलाकात आप लोगों की हो चुकी है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। और इवान को तो हम लोगों ने स्ट्रॉलर में एकदम बांध के रखा हुआ था, लेकिन जब ये खुला तो फिर पूरे जू में घूमने लगा, दौड़ने लगा। तो यहाँ पर ये एक डिन बना हुआ था और अंदर से तो जाके हम लोगों ने नहीं देखा था। और ये है ईगल, यानी कि बाज, जो कि यूएई का नेशनल ये है, नेशनल बर्ड है। हर जगह ये बाज ज़रूर दिखेगा, बहुत छोटा बाज भी दिखता है और बहुत बड़ा से बड़ा ईगल भी दिखेगा आपको यहाँ इस जगह। हम तो चलिए आगे, यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है इस जगह में। जो नाखून है ना, आइए जल्दी आइए अंदर। ये है किस चीज़ का एरिया? ये तो आपको बता रहे हैं, अंदर चलिए। चिल्लाइएगा बस मत, बोला नहीं चिल्लाना। चिल्लाने नहीं तब तो हमको तुम छोड़ ही दो, डिस्ट्रैक्ट होगा। अब पापा बोले आपके हाथ में दिलवाएंगे एक बार। पापा ना, ना, पापा को सुधर दिखिए। अल्लाह, और बड़ा बड़ा नाखून है, हम लिए ना हाथ में, मेरा ऐसे हाथ थरथराने लगा, नीचे आए तो फौरन खींचा। अल्लाह मछली है ये मेन सीन, उधर है, इधर छोड़िए। हाथ में ले लीजिए, ये ऊपर कर, ये ऊपर कर। अच्छा एक रुको, हम पकड़ ले रहे हैं। उधर नहीं जाइए, इधर लीजिए। और आपके साथ पापा कुछ नहीं खाने का। पापा नो नो नहीं, मत गिर मां, ये गिव इधर, अभी के इधर ना 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 नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। जस्ट स्केयर कम, जस्ट सॉ लिटिल फिशर। ओके टेक हिज द बाइक, अब आ गो। अल्लाह بس خلاص بسم الله لا 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 مش كمان مش كمان اللي هو رجوع ما مش كمان ايه انت يا بابا ها ليه امي ها امي بولی دادی کو لے کے آنے پاپا جا لے کے جا پاپا جا لے اپ جا لے کے دے دے جا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا इमराना कुछ नहीं होगा, शर्म करो इमराना, कुछ नहीं होगा इमराना, तुझे डर गई, क्या करेगा पापा, कुछ नहीं हो रहा है। देखो डोंट स्केयर, डोंट स्केयर, make your body very good, nice, don't get it, not not bite, not bite, even bite cannot give you, it not bite, mat hilana sar, mat hilana gardan pe ja raha hai, stop your body, relax, na na ye aayo 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 aban aban Hey,
तो यहाँ आगे बढ़ते हैं जी, और ये था टोर्टोइस, यानी कि इतनी बड़े साइज का कछुआ तो जिंदगी में हम पहली मर्तबा देख रहे थे। तो ये सब एक बच्चों के लिए भी एक नई चीज़ थी देखने के लिए। और इसके बाद आगे आ जाते हैं, ये देखिए बेबी टर्टल्स है। चलो हो गया ना, अब छोड़ दो बाबा, इसको दे दो। अच्छा Brother, not working. It is working. This is not car. Not working. तो जी इसका नाम था हबूबा। तो हम लोग आ रहे थे, बस या के हस्बैंड का हाथ पकड़ के बैठ गया, और यहाँ चिक्की जी हस्बैंड को भी बहुत इत्मीनान से उसका हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। फिट करने लगेगा। तो जी ये आवाज आते हैं, ये है ईगल। हमको लगता है कि काफी पुराना ईगल था, और उसके साथ साथ ये जनाब भी यहाँ से लटक रहे थे। तो उन लोगों की पिक मैंने बनाई, और यहाँ पे बहुत सारी फोटोज वगैरह खींची। सब कोई अपनी अपनी वीडियोस और फोटोज बनाने में बिजी था, और बस ये तो इनका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था और पकड़ करके घूम रहा था। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तो जी अब आगे व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ चले आए थे हम लोग लायन और टाइगर के सारे सेक्शन में। तो यहाँ बहुत सारी वैरायटी यूएई में मौजूद है, ख़ास करके इस जू में आपको यहाँ हर तरह के लायन और टाइगर्स देखने को मिलेंगे। वाइट टाइगर से लेकर के बाकी भी बहुत सारे हैं, तो एक एक करके देखते हैं। बेचैनी मत दो, आइए जल्दी आइए। अच्छा हाँ, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाओ। इमरान उठा रही है, उठ जाओ। मुंह बंद करो। अब कुछ पागल मालूम पड़ रहे हो क्या? हाँ हाँ, उसको सीटी बजा के उठा रहे हो, उठ के आगे ना दौड़ते हुए यहाँ पे बस। ओ उससे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड हो जाते हो। अरे इधर ये एकदम बूढ़ा लग रहा है। बूढ़ा रहे कुछ नहीं, डिफेंस रही है ना। हाँ तालू का बाल भी उड़ गया। अल्लाह बहुत तौबा अस्तगफार। सुन सुना कह रहा कि तालू का बाल उड़ गया है, शर्म करो। अब तुम्हारा नहीं उड़ रहा है, उड़ जाएगा कुछ दिन में। देख रहा, सुन लिया है कि तालू का बाल बोला है उड़ गया। देखो उठ भी रहा है, काफी पुराना दिख रहा है, काफी उम्र दराज दिख रहा है। पीछे भी है लगता है। उसको छुए हो ना तुम लोग, हाथ मिलाए हो। हबूबा महबूबा क्या क्या था वो उससे। अबन मत करो, छेड़ो मत अबन। देखो आके कहीं मार ना दे हमको, बस यही डर लगता है। दोनों साइड से आ रही है। तो जी आप लोगों ने देखा, सबसे ज़्यादा अगर इंजॉय किसी ने किया ये सारा कुछ पूरा जू, तो वो आबान था। आबान ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा छेड़ा भी है, परेशान भी किया।
तो जी यहाँ पर आगे आपको मैं एक नई चीज़ दिखाती हूँ। ये यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, दुबई के महंगे महंगे शौक है तो उसमें से भी ये एक शौक है। ये लायन है यहाँ पे, लायन टाइगर जो भी है, और ये देखिए उससे मुलाकात तो इस तरह की हो रही है जैसे कोई इंसान हो। वही समझ ही रही है। बाप रे, साइज इसका कितना बड़ा है। वहाँ पे जाओ वन, चलो आ जा। ये है भेड़। इसको टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते हैं। किसको? किसको? देखो ना, देखो जो कैसे आई। कर सकते हो टच या नहीं भेड़ को? कर सकते हो, करेगा बस शर्ते कि मारे ना तुमको। मारते हैं? हाँ तो छोड़ देगी क्या? उसको जीन, उसको परेशान नहीं। तुम लोग कम हमको परेशान करने के लिए कि अब हम जाएं। तो जी यहाँ से पूरा आपको ओपन जू का ये सारा कुछ व्यू मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा जू है, तो आप लोग जाइए, जाकर के घूमिए जो यहाँ यूए के रेसिडेंट्स हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, मत मजाक करो। क्या करें, पकड़ उगड़ लिया ना, खींच लेगा अंदर। तो जी यहाँ पर इंट्रेंस के पास हम लोग अब आ गए थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने इंट्रेंस में एक बेबी चीता रखा हुआ था, चीते का छोटा सा बच्चा था, तो वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से आगे आपको देखने को मिलेगा भालू, और वो सारा बहुत सारा बालू की भी वैरायटी थी। तो यहाँ देखिए अबान में अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ में लगे ही हुए हैं। डरते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन परेशान भी उसे कदर कर रहे हैं जानवरों को। आगे भी है, देखिए। चलो अल्लाह, देखो कहाँ चढ़ा हुआ था, देखो। अबान अबान मत मार, ऐसे मत करो, पता चला ना तो धर लेगा। अबान 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 क्या तमाशा है, हटो 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 हटो। अब देख लो। तो यहाँ से हम लोग उमल कुइन से निकल चुके थे, और उमल कुइन से थोड़ा आगे था जबल जैस, यानी कि यूएई का सबसे बड़ा पहाड़, और यहाँ भी जाने का प्रोग्राम हम लोग का अचानक से बन गया। तो हम लोग फिर इतनी दूर आकर के जबल जैस ना जाते, ये हो ही नहीं सकता था। तो आगे बढ़ गए हैं जबल जैस के लिए, उसके खूबसूरत नज़ारे और हर कुछ आपसे शेयर।
तो ये सारा पहाड़ जबल जैस का और इसके टॉप पे बना हुआ है, तो वहाँ से बड़ा अच्छा लगता है सनसेट और सनराइज़। तो हम लोग सनसेट के टाइम पहुँचे थे, मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो काफ़ी लेट निकले वहाँ से, यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम गया, और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था और ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बारबेक्यू किया और रात का डिनर यहाँ पे किया, सारा कुछ जो कि आपसे आगे सारा कुछ शेयर करूँगी मैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे टिक्का वगैरह सेका, और ये जैसे जैसे हाइट पर जा रहे थे हम लोग तो कान बिल्कुल सुन हो गया था एकदम, और डर भी काफ़ी लग रहा था हाइट से। तो ये देखिए, एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी और एक तरफ को गाड़ियाँ जा रही थी, तो इधर लाइट वगैरह का कोई सीन नहीं है, बस बिल्कुल रात के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ये जो बीच में ये लगा हुआ है, यही रात में हल्की हल्की रोशनी रहती है तो उससे इंसान नीचे आता है। तो यहाँ पे चिक्की जी मगरिब की लगभग झिलमिल हो चुकी थी और क्या खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पर। सारी लाइट ये जो थी सोलर लाइट सारी थी, तो ये दिन भर सोलर से सूरज की रोशनी से चार्ज होता है और जब तक चल सकता है जलता है, तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरह ये सन्नाटा, तो ऊपर काफ़ी हाइट पर थे, 45 मिनट्स तो लगता ही है ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और बादल, ये बादल का टुकड़ा सारा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था यहाँ से। हम लोग लगभग एकदम टॉप पर आ चुके थे और पार्किंग वगैरह ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू के लिए कोयला जला लिया था। और ये चेक करिए, ये तो रात हो गई है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नज़र आएगा नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को पार्किंग मिली थी जैस स्लाइडर के पास, तो जो यहाँ रहते हैं वो समझ जाएंगे जैस स्लाइडर क्या है। और यहाँ वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी है, जैस स्लाइडर के पास जो है वहाँ वॉशरूम भी है और अच्छी खासी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग राजुल खेमा में हैं, और बेसिकली राजुल खेमा है तो जबल जैस कैसे नहीं जाएंगे, जबल जैस की ऊंचाइयों में है। अगर आपको दिखता है क्लियर तो आप देख के बताएं, काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग। तो ये एरिया है, ये माउंटेन, और ये देखिए आज चांद निकला हुआ है बहुत सही। और ये है जैस प्लेशियर, सॉरी जैस स्लाइड है, स्लेड स्लेड है। इसमें आपको दो पहिए वाला गाड़ी होगा, उसमें बंद करेंगे और फिर ऐसे पूरे पहाड़ पे घुमाएंगे। ये आप देख सकते हैं डिग्री है टेम्परेचर इधर का, आपको नहीं दिखा सही से, तो ये देखिए 16 डिग्री टेम्परेचर है और हम लोग पहाड़ पे हैं। आपको बिल्डिंग दिख सकती है, मैं आपको हाइट दिखाता हूँ अभी फिलहाल, और आप हाइट देखें। और इधर हमारा हो रहा है बारबेक्यू, एक्चुअली इधर बारबेक्यू हो रहा है, ये हमारा ये। तो
जी ये एकदम हो चुकी थी रात और हम लोगों का डिनर बस तैयार होने वाला था। यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह हो रहा था तो मैंने भी चिकन घर से मैरिनेट करके आई थी और मेरी फ्रेंड वगैरह भी जो थी वो लोग भी सारा बारबेक्यू का इंतज़ाम करके आई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड और उनके फ्रेंड मिल करके टिक्का सेक रहे थे। अमूमन जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ये सारा काम जेंट्स लोग का होता है, हम लेडीज़ तो घर पर खिला खिला पका पका के खिलाते रहते थे। यहाँ पर जी बन रहा था बन रही थी चाय, चाय के साथ कबाब लग रहे थे, मैगी बच्चों ने खा ली थी जिसकी क्लिप मैंने नहीं बना पाई, बान के पास मोबाइल था और उसके साथ साथ बस यहाँ पे हम लोग सारा ग्रिल ये सब रख रहे थे और यहाँ बन रहा था पुलाव गरम गरम। मैंने बनाया था यहाँ पर पुलाव उसके साथ साथ चिकन। तो चलिए जी यहाँ पे आबान मियाँ ग्रिल सेक रहे थे, बारबेक्यू सेक क्या रहे थे बस उसके साथ साथ जला भी रहे थे। और यहाँ पर स्वीट कॉर्न था, इमराना ने हाथ में कट लगा लिया था। बस इसी तरह हम लोगों की ये फैमिली एंड फ्रेंड्स मिल करके ये सारी ट्रिप रही और बहुत मज़ा आया। तो ये सारा कुछ फैला हुआ था, इस तरह सारा कुछ समेटना था और हम लोगों ने मिलके बहुत इन्जॉय किया, आप देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। तो जितना हो सका मैंने उतना कवर किया सारा कुछ, आपसे आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाए। तो बस इसी तरह और ये सारा खाना पोर्टेबल गैस पर बनाया गया था जो मैं लेके आई थी गैस, तो ये बहुत आसान रहता है, एक आंच का चूल्हा रहता है जिसे कहीं भी लेके जाया जा सकता है। तो ये लास्ट लास्ट बच गया था जिसे हस्बैंड और अबान मिल करके सेक रहे थे बारबेक्यू। तो हम लोगों ने इंजॉय किया खाना वगैरह। और यहाँ पे पहाड़ में इतनी ज़्यादा ठंडक थी, इतनी ज़्यादा ठंडक थी। तो बताइए आप लोगों को ये विंटर व्लॉग सीरीज़ कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी विंटर सीरीज़। तो जी यहाँ पर टिक्का बन करके तैयार हो रहा था और ये देखिए ये है पहाड़ी बकरी यानी गोट, ये रात में किस किस तरह पहाड़ से चलती हुई आ जाती है। तो हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे तो ये अचानक से नज़र पड़ी अबान की, तो अबान ने इसकी वीडियो बनाई। तो बताइएगा आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और यहाँ पर हम लोगों का खाना वगैरह निकल चुका था जिसमें सारा कुछ आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये मैंने हमूस बनाया था और ये मेरी फ्रेंड बीफ का कबाब लगा के लेके आई थी, सॉरी मैरिनेट करके लाई थी। और यहाँ पे हम लोगों ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा कर ली थी और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बस जिस तरह खाया पिया गया।